एक्सरसाइज नंबर टू ग्रेड सेवन का रेशनल नंबर, एक्सरसाइज नंबर टू बी का हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि किसी भी कोई पार्ट है ना उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, उसका ग्रेटेस्ट डिवीजन लेते हुए। 4/6 पहला लिखा हुआ है तो इसका डिनोमिनेटर भी हमने पॉजिटिव ही लाना है कोई भी होगा। तो 4/6 लिखा हुआ है, मैंने देखा कि दोनों टू पे डिवाइड होते हैं, तो टू पे जब मैंने इसकी कटिंग की, 2 1 2 2 और 2 1 2 3, 2/3 हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है। पार्ट नंबर टू लिया मैंने, 4/96 लिखा है, ये दोनों ही कोई भी इनका कॉमन डिवीजर था ना जो, वो बन रहा था सिर्फ वन बन रहा था। मैंने देखा कि डिवाइड जो हमारा डिनोमिनेटर है ना वो माइनस का, इस वजह से मैंने नंबर माइनस लिया। माइनस माइनस प्लस, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 9 आ जाएगी, इसी तरह ऊपर 4 को 1 के साथ करवाया तो ये आ गया, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 देखें हम, तो ये इसका कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं निकलता, तो माइनस को माइनस के साथ काट दें तो हमारा आंसर क्या होगा, 11/13 आंसर होगा। इसी तरह बाकी का पार्ट भी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पता लगाओ डिटरमिन विच ऑफ दी टू रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच केस। कह रहा है कि ये मैंने एक रकम दी, इन दोनों में से बताओ कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे पहले तो हमने काम करना है कि हमने डिनोमिनेटर जो है ना वो इक्वल करना है। इसका डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है और ये नंबर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मुझे सिंपली पता चल रहा है 2/7 ग्रेटर देन -3/7। इसी तरह अगर हम देखें पार्ट नंबर, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 1/2, 4/7, मैंने बोला पहले हमने डिनोमिनेटर इक्वल करना है। मैं क्या करूँगा, इधर वाला जो डिनोमिनेटर है ना उसको इस रकम के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूंगा सेम जैसे मैंने किया हुआ है, फिर इधर वाला जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इसके बाद ये देखिए आप, 2 × 7 = 14, 7 × 2 = 40, डिनोमिनेटर बराबर हो गया 4 × 2 = 8, 1 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, डिनोमिनेटर इक्वल है और यहाँ पर मैं देखूँ 8 बड़ा है 7 से, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो मैंने लिया ना 8/14 ये किसका है, 4/7 का, तो मैं लिख दूंगा 4/7 इज़ ग्रेटर दैन 1/2। इसी तरह सेम पार्ट नंबर 2 में ये दो वैल्यू दी हुई है उसने, इधर वाला जो डिनोमिनेटर है वो मैं इधर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 9 × 6 करें 54, 6 × 9 करें तो 54 ऊपर आया हमारे पास, -4 को 6 के साथ करें -24 आया, यहाँ पे आया 5 × 9 माइनस का 45 आया। अब देखें ये जो -24 है ये -45 है, ये वाला नंबर हमारा बड़ा है ये वाला छोटा है, क्योंकि 0, -1, -2 जितना माइनस का बड़ा होता जाएगा उतना वो असल में छोटा होता जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, -24/54, किसका ये आंसर, -4/9 ग्रेटर देन -5/6।